HJ न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेबी 2015 जय हो 2014 16 दिसंबर और अग्निपथ 1990 जैसी फिल्मों में काम कर चुके डैनी डेंजोंगपा ने परवीन बाबी से अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात की है। 70 के दशक में करीब 4 साल तक डैनी और परवीन का अफेयर रहा। दोनों बिना शादी साथ ही रहते थे, जो उस वक्त बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। डैनी की माने तो उनका ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ था और दोनों इसके बाद भी अच्छे दोस्त थे। ब्रेकअप के बाद भी डैनी के बेडरूम में फिल्म देखती मिलती थी परवीन। फिल्म फेयर को दिए इंटरव्यू में डैनी ने बताया है कि ब्रेकअप के बाद परवीन उन्हें अक्सर डिनर पर बुलाती थी, लेकिन उस वक्त तक उनकी गर्ल फ्रेंड कोई और थी। बकॉल डैनी, पैकअप के बाद मैं फिल्म के सेट से किम यशपाल को पिक करता था और जब घर पहुंचता था तो परवीन बेडरूम में VCR पर मूवी देखती मिलती थी। मैंने कई बार उसे ऐसा करने को मना किया, लेकिन वे कहती थी कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ दोस्त हैं। डैनी के मुताबिक उन्होंने महेश भट्ट, जो उस वक्त परवीन के नए बॉयफ्रेंड थे, को कहा कि वे परवीन को समझाएं कि ऐसे कभी भी अपने एक बॉयफ्रेंड के घर जाना सही बात नहीं है, इसे कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं कर सकती।